तो अब हम चैप्टर 20 पढ़ेंगे, एट द हाउस इन ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट। तो ग्रिफिन ने अपना स्टोरी कंटिन्यू किया जो वो डॉक्टर कैंप को नरेट कर रहा था, एंड ही फर्दर सेड दैट आफ्टर हिज फादर्स डेथ, मतलब जब उसका पापा का डेथ हो गया था, उसके बाद वो एक चीप बोर्डिंग हाउस में शिफ्ट हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रिफिन के पास काफ़ी पैसे नहीं थे, तो ही कुंट अफोर्ड हाउस इन अ बिग अपार्टमेंट और लाविश वे में, मतलब अच्छी तरीके से वो कहीं पे रह नहीं सकता था। उसके पास बहुत शॉर्टेज ऑफ मनी था, वो सिचुएशन पे था। तो वो एक लंदन में एक ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट करके एक जगह है, वहाँ पे उसने शिफ्ट किया एंड उसने अपना रिसर्च वर्क और एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू किया। देन वो काफ़ी बिजी हो गया था अपने काम में, कि वो बाकी सारी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा था वो सबसे एकदम दूर वो अपना ही काम कर रहा था। जब एक दिन व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट में जब वो चल रहा था, तो उसने एक लड़की को देखा एंड ही मेट हिम। तो वो उसका ओल्ड एक्वेंटेंस थी, मतलब वो उसको पहले से ही जानता था, 10 ईयर्स पहले उनका फ्रेंडशिप हुआ था एंड तब से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। एंड ही वॉज लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स, बट उसने बाद में ये सब ड्रीम्स को एक साइड पे रखा एंड ही स्टार्टेड टू लिव इन हिज प्रेजेंट रियल लाइफ, मतलब वो ये सब में घुसना नहीं चाहता था, सो ही फॉरगॉट अबाउट द गर्ल। उसके बाद जब ग्रिफिन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने किया, मतलब जो फॉर्मूला बनाया था वो कोई थिंग पे यूज़ किया, तो फर्स्ट थिंग क्या था, वो था एक वाइट वुल फैब्रिक। जब वो मतलब वो थिंग पे डाला तो इट डिसअपियर्ड एंड ग्रिफिन का खुशी का लेवल, मतलब ठिकाना कुछ भी नहीं था। ही वॉज ओवरजॉयड विथ हैप्पीनेस एंड बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस, आप बोल सकते हैं। एंड जो सेकेंड थिंग थी जिस पे उसने ट्राई किया था, विच वॉज अ लिविंग कैट, तो उसका सक्सेस थोड़ी देर के लिए ही आप लोग बोल सकते हैं, बिकॉज जब उसने एक लीन वाइट कैट पे ट्राई किया अपना फॉर्मूला, तब वो कैट पूरी तरीके से वैनिश नहीं हुई, मतलब डिसअपियर नहीं हुई, बिकॉज कैट की आईज और क्लॉज वर नॉट बीइंग वैनिश्ड। एंड वो उसका जो भी गुस्सा था बिकॉज ऑफ हिज फेलियर इन हिज एक्सपेरिमेंट, वो उसके लैंडलॉर्ड पे निकल गया एंड ही हैड क्रिएट, आप बोल सकते हैं उनका झगड़ा हो गया, मतलब ही टॉक टू हिम वेरी रूडली। और बिकॉज वो कैट की ओनर एक लेडी थी, तो जब उन्होंने ग्रिफिन के रूम से कैट की आवाज़ सुनी, बट दे कुडंट सी द कैट, तो काफ़ी झगड़ा हुआ ग्रिफिन का और लैंडलॉर्ड का। एंड ग्रिफिन ने काफ़ी हाई पिच में लैंडलॉर्ड से बात किया एंड ही थ्रू हिम आउट ऑफ हिज रूम। ग्रिफिन तो एक बात के लिए श्योर हो गया था कि माइट बी ही हैड टू वाइंड अप ऑल द थिंग्स बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर, तो उसने फटाफट जो भी इनविजिबिलिटी का उसके पास फॉर्मूला था, थ्योरी पार्ट था, उसने एक साइट पर करके लैंग्वेज है उसमें एक 3 बुक्स में लिख दिया एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू डी कोड द लैंग्वेज। बस ग्रिफिन को ही उसका डी कोडिंग पता था। एंड ये 3 जो नोटबुक्स थी और जो चेक बुक्स थी, वो अब वो ट्रैम्प के पास थी। मतलब ट्रैम्प कौन होता है, मिस्टर मार्वल जो थे वो ट्रैम्प है, तो ये जो भी था वो अब मिस्टर मार्वल के पास था। एंड फर्दर उसने ये भी बताया कि उसने वो ड्रग प्रिपेयर किया एंड ही ऑल्सो ड्रैंक द पोर्शन, एंड वो चाहता था कि वो खुद भी इनविजिबल हो जाए आफ्टर ऑल दिस। तो जब लैंडलॉर्ड आया इजेक्शन नोटिस लेके, मतलब लैंडलॉर्ड अब नहीं चाहता था कि ग्रिफिन वहाँ पे रुके बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, एंड उसको काफ़ी डाउट भी था अब ग्रिफिन पे। तो तब लैंडलॉर्ड ने ग्रिफिन का स्टोन वाइट फेस देखा और वो काफ़ी डर गया था। एंड एज वी नो ग्रिफिन ने जब वो ड्रिंक पिया तब उसका हालत काफ़ी ख़राब हो गया था, His limbs became glassy and उसका जो bones और arteries थी वो सब फेड हो गई, मतलब सब कुछ, it was a mixture in the air, मतलब ये सब formula की वजह से उस पर भी काफ़ी असर हुआ था। He felt very weak and fever type भी उसको लग रहा था, but finally he vanished. एंड जब अगले ही सुबह, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो लैंडलॉर्ड अपने स्टेप सन्स और वो लेडी जिसका
कैट था वो सब आए रूम में, ग्रिफिन वहाँ रूम में नहीं दिखा, तो वो ग्रिफिन के लिए हर कोने में सर्च कर रहे थे, एवरी नूक एवरी कॉर्नर सब जगह उन्होंने सर्च किया, पर जब ग्रिफिन नहीं दिखा तो वो फ्रस्ट्रेट होकर रूम से चले गए। तब ग्रिफिन रूम में एंटर करता है और उसने अपने अपैरेटस को देखा, वो अपैरेटस काफ़ी क्लोज था उसके हाथ से, बट वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, बट उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, तो उसने सब कुछ स्मैश कर दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, एंड देन ही सेट द रूम ऑन फायर, उसने रूम में आग लगा दी कि उसके जाने के बाद वहाँ से किसी को भी कोई प्रूफ ना मिले। तो एट प्रेजेंट अब ग्रिफिन इनविजिबल हो चुका था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, ही जम्प्ड आउट ऑफ जॉय, वो काफ़ी खुश था एंड वो ये भी सोच रहा था कि अब वो कुछ भी कर सकता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड एंड वंडरफुल थिंग्स, कुछ भी, बिकॉज एज ही वॉज इनविजिबल कोई उसको देख भी नहीं सकेगा, वो इसलिए वो कुछ भी कर सकता था।